ये असीम खान इनके मंत्री थे, रंगे हाथ पकड़े गए, वो भी सीडी बन गई। और सीडी बन के जब वीडियो सामने आ गई तो कोई गति नहीं रही, कोई उपाय नहीं रहा, तो उनको बाहर निकालना पड़ा। मगर ये असीम खान भी अभी आम आदमी पार्टी में, ये सारे भ्रष्टाचार ही जिनको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद अपने पार्टी से निकाला था, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी में हैं और कान्हा बने हुए हैं, ये भगवान है। स्वास्थ्य के विषय में इन्होंने कहा कि हमने बहुत कमाल का काम किया, और इनकी जो चर्चाएं होती है ना, इनकी चर्चाएं कोई दिल्ली में और इंडिया में नहीं होती, इनकी चर्चाएं तो पूरे विश्व में होती है। पूरे विश्व में ये हो हल्ला क्लिनिक के बारे में चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आज एक चैलेंज करता हूं, दिल्ली के हमारे आदरणीय निवासी जनता जनार्दन, जब इतना बड़ा कोविड का जो आपदा था पूरे विश्व पे पड़ा, कितने दिल्ली के लोग ये मोहल्ले क्लिनिक में भर्ती हुए थे मुझे बताइए। मुझे एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए जिसमें आईसीयू बेड थे, जिसके अंदर आइसोलेशन बेड थे, जहां पर उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगा था। एक ऐसा मोहल्ला क्लिनिक दिखा दीजिए जहां एक मरीज भर्ती था। एक भी आपने कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया, और आप बता रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है वो इनके हल्ला क्लिनिक की। देखिए, काम कम और हल्ला गुल्ला, बयान बहादुर, ये पूरे विश्व में एक ऐसा सीएम कहीं नहीं है, सीएम विदाउट पोर्टफोलियो, आपने कहीं देखा है? आपने कहीं भी देखा है कि पूरे विश्व में कोई सीएम बिना काम का चीफ मिनिस्टर हो? कोई काम नहीं है जी, केवल भाषण करना, कोई पोर्टफोलियो नहीं है। बयान बहादुर, बड़ी बड़ी बातें करना कि विश्व में हमारे लिए चिंता हो रही है और कोई काम नहीं करना। आज मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया है, ग्लोरीफाइंग करप्शन, आज अपने प्रतिनिधियों के, जो लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बैठक में अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐलान किया कि आप सब लोग 3-4 महीने जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ जी। और जेल कोई खराब जगह नहीं है, और जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है, जेल सबको जाना है। आप सोचिए, अगर यह संदेश एक मुख्यमंत्री देता है कि जेल जाना चाहिए, आप 2-400 हजार करोड़ के, 2-400 करोड़ के घपले करो और जेल चले जाओ, 4-5 महीने बाद तो छूट जाओगे, उसके बाद तो केस चलता ही रहेगा। लालू प्रसाद यादव जी को भी चारा घोटाले में कोई 4 दिन के अंदर उनको जेल में थोड़ी डाल दिया था। हमारी जुडिशियरी का एक तरीका है जिसमें सबको अपने पक्ष को रखने का मौका दिया जाता है, और पूरा मौका दिया जाता है, और उस पूरे मौके में आप अपने पक्ष को इंडियन जुडिशियरी के सामने रखते हैं। पक्षपात रवैये के साथ कभी भी भारत की जुडिशियरी काम नहीं करती है, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव को भी सफाई देने का मौका मिला था, मगर लगभग 30 वर्ष के बाद वो जेल गए। तो केजरीवाल जी, जेल जाना बड़ी अच्छी बात है, ये सत्येंद्र जैन भारत रत्न, जो जेल जाए उसको भारत रत्न दे दो। कल सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, आज अमानतुल्ला खान को भारत रत्न मिलना चाहिए, और जेल सबको जाना चाहिए। आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं? आप कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है, कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, जो जेल जाने के लिए भी अपने मंत्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम भले ही जेल जाओ, मगर कट ला के मेरे जेब में भरो पहले। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये सीबीआई, ईडी, ये सारे लोग इनको पहले से बता देते हैं कि इनके कौन से मंत्री के घर में रेड होने वाला है? दो तरफा बातें करते हैं, एक तो कहते हैं कि जो भारतीय सरकार है वो सबको डरा के रखती है, ये सारे कठपुतली हैं जी ये सीबीआई वाले, और फिर बोलते हैं हमें तो सीबीआई वाले आके सब बता देते हैं कि अगला जो है ये जो इनका ट्रांसपोर्ट मंत्री है गहलोत, उसके घर में रेड होने वाला, मतलब पता सब है किस किस से करप्शन कराया है और किस किस के पास किस प्रकार का घोटाले की कागज और दस्तावेज है, कहां कहां गड़बड़ी हुई है, सब पता है, कराया तो इन्होंने ही है, अपना हस्ताक्षर कहीं डाला नहीं है, सारे फाइल में हस्ताक्षर इनके दोस्तों की है, कहीं मनीष सिसोदिया की है, कहीं दूसरों की है, कहीं सत्येंद्र जैन की है, अपना हस्ताक्षर है नहीं, पता सब कुछ है, भ्रष्टाचार किसने किया है, इसलिए पता है कि किसके घर में रेड होगा।
और बोलते हैं सीबीआई वाले आके हमें बता रहे हैं। आज इन्होंने कहा कि जज बदल दिया। सत्येंद्र जैन जी के लिए आप तो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे थे कि ये बड़े सचोट व्यक्ति है सत्येंद्र जैन। जज बदल दिया, एक प्रक्रिया होती है इंडियन जुडिशरी की, ये जज बदलने किसका ट्रांसफर होता है, कौन जज किस कोर्ट से किस कोर्ट में जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी या पॉलिटिशियन नहीं करते। ये जजों के ऊपर आपके लोग चोरी डकैती में पकड़े जाएं, भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं और जेल के अंदर जाएं, तो आप जजों के ऊपर उंगली उठाएंगे, आप कहेंगे वो जज अच्छा था और ये जज खराब है।